Children, today I'll start your new chapter, division. Now, let us look at the meaning of division. Children, meaning of division is equal sharing or equal grouping. यानि कि आपको division के अंदर equal sharing या numbers की equal grouping करनी है. Now, let us see an example. Suppose 12 mangoes are shared by 3 boys equally. How many mangoes will each boy get? मीन्स आपके पास 12 मैंगोज हैं और 3 बॉयज को इक्वली आपको शेयर करवाने हैं. तो एक बॉय को कितने मिलेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे. टोटल नंबर है, उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर 4. यानी कि हर बॉय को 4 मैंगोज मिलेंगे. तो देखिए, 4 इसको मिले, 4 इसको, 4 इसको, तो 4 3 का कितना हुआ आपका 12. गेट दिस एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल को आपको एक पिक्चर की फॉर्म में दिया हुआ है. आपको पता है कि हर बच्चे को 3 मैंगोज मिले हैं. तो अब देखिए, 12 मैंगो का ये बॉक्स है, 3 का मैंने एक ग्रुप कर दिया, तो वो 3 कम हो गए. कितने बच गए आपके पास? 12 में से टोटल मैंगोज थे आपके 12. 12 में से 3 का एक ग्रुप अलग कर दिया, कितने हो गए? 9. नेक्स्ट के अंदर से फिर मैंने 3 कम कर दिए, तो कितने रह गए आपके? 6. फिर 6 में से 3 का एक ग्रुप बना लिया, तो 3 बच गए. और नेक्स्ट में जो बचे हुए 3 हैं, उनका ग्रुप एक बना लिया, तो हो गए 3 का एक और ग्रुप. तो लास्ट में कितने रह गए? 0. यानी आपका 3 3 3 3 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ? 4 टाइम्स. इधर देखिए, 12 में से 3 माइनस हुआ, 9, ये फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ. फिर 9 इधर आया, 9 में से फिर 3 सब्ट्रैक्ट किए, फिर आया आपका 6. फिर आपका 6 में से फिर 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, आंसर आया 3. फिर 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 0. यानी आपको तब तक सब्ट्रैक्शन करते रहना है जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए. तो फ्रॉम दिस एग्जांपल व्हाट यू हैव कंक्लूड? यस, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. यानी कि जो हमारा डिवीजन है वो एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है. हमें बार बार एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता. चिल्ड्रन, जो आपका मल्टीप्लीकेशन था वो था रिपीटेड एडिशन. आप याद करिए, आप एक नंबर को बार बार ऐड करते थे, तो बार बार ऐड करने की जगह आप उसी नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आपका आंसर आ जाएगा. चिल्ड्रन, टुडे आई स्टार्ट योर न्यू टॉपिक डिवीजन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल look at the definition of division. What is division? Division means equal sharing or equal grouping. Division के अंदर आप equal sharing करते हैं या numbers की equal grouping करते हैं. Here one example is given. Suppose 12 mangoes are shared by 3 boys equally. How many mangoes will each boy get? आपके इस basket में 12 mangoes हैं और आपके 3 बॉयज हैं. आपको सबको इक्वली शेयर करानी है मैंगोज. ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा देना है, किसी को कम देना है, आपको सबको इक्वली शेयर करानी है. तो आप क्या करेंगे, आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट आंसर 4. यानी कि हर बच्चे को 4 मैंगोज मिलेंगे. सो ईच बॉय विल गेट 4 मैंगोज. एग्जाम्पल का पिक्चर फॉर्म दिया हुआ है. देखिए, इस बॉक्स के अंदर 12 मैंगोज हैं. 12 मैंगोज के अंदर मैंने आपको बताए हैं कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं. तो अब इन्होंने ग्रुप करा है. देखिए, 3 3 को 3 का एक ग्रुप करा इधर, उसके बाद आपके 9 मैंगोज बच गए, 9 को सेकंड बॉक्स में लिया, फिर 3 को ग्रुप करा, फिर उसके बाद 6 मैंगोज के अंदर 3 मैंगोज को ग्रुप करा, फिर बचे हुए 3 मैंगोज का एक ग्रुप बना लिया, और आखिरी में आ गया आपका 0. यानी आपका 3 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ? 1 2 3 4. यानी हर बच्चे को 4 मैंगोज मिलेंगे. तो इस तरीके से आपने देखा कि जो डिवीजन है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है. देखिए, 12 में से पहले 3 माइनस करा, आंसर आया 9. 12 आपके मैंगोज हैं, 3 आपके टोटल चिल्ड्रन हैं. फिर 9 में से 3 माइनस करा, आया आपका 6. फिर 6 में से 3 माइनस करा, आया आपका 3. फिर 3 में से 3 माइनस करा, आंसर आया 0. यानी कि 3 कितनी बार माइनस हुआ? 1 2 3 4, 4 टाइम्स माइनस हुआ, तो आपके एक बच्चे को 4 मैंगोज मिलेंगे. सो चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. देखिए बेटा, जो डिवीजन है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है. अगर आपको याद होगा तो आपकी मल्टीप्लीकेशन के वीडियो में मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लीकेशन है आपका रिपीटेड एडिशन, लेकिन आपका डिवीजन क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. यानी कि डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन जो है एक दूसरे के उल्टे हैं, ऑपोजिट हैं, तो दे आर
इनवर्स ऑपरेशन, इनवर्स मतलब होता है उल्टे, क्योंकि एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है और एक रिपीटेड एडिशन है। द टर्म्स रिलेटेड टू डिवीजन, डिवीजन के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनके क्या क्या नेम होते हैं, दिस यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर क्लास 3, आई एम रिपीटिंग हियर। सपोज एक नंबर है 114 डिवाइड बाय 8, तो जो ये 114 है बेटा, ये आपके डिवीजन का जो ये साइन होता है इसके अंदर आता है, और ये जो 8 है ये बाहर आएगा। तो जो नंबर आपका अंदर जाता है दैट नंबर इज कॉल्ड डिविडेंड, और जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड डिवाइजर। जो आपका ये ऊपर आंसर आता है, जो आप टेबल बोलते हैं तो जो ये ऊपर लिखते हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड कोशियंट, और अगर आपका रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर मतलब जो कुछ बचता है, तो दैट नंबर इज कॉल्ड रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है बचा हुआ नंबर। टॉपिक इज चेकिंग डिवीजन। अब आप जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने जो डिवीजन किया है वो सही है या नहीं है, उसके लिए आपको चेकिंग करनी है। उसके लिए यू हैव टू फॉलो वन फॉर्मूला, डिवाइजर इनटू कोशियंट, डिवाइजर को आपको कोशियंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके अंदर अगर आप रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो यू विल गेट द डिविडेंड। आप दोबारा सुनिए, डिवाइजर इनटू कोशियंट, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइजर इनटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी डिवीजन के, उसके अंदर मैं आपको इस फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगी। गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, आपने मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, नाउ यू हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। वैसे ही डिवीजन में प्रॉपर्टी होती है। लुक एट प्रॉपर्टी नंबर 1, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कोशियंट इज नंबर इटसेल्फ, यानी आप जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो कोशियंट है, जो ऊपर लिखते हैं, वो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। देखिए 62 को 1 से डिवाइड किया तो कोशियंट क्या आएगा आपका 1, 125 को 1 से डिवाइड करा कोशियंट क्या आएगा आपका 125। लुक एट प्रॉपर्टी नंबर 2, When any number is divided by itself except 0, the quotient is 1. यानी जब भी किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका जो quotient का आंसर आएगा वो आएगा 1. देखिए 64 को अगर 64 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 64 की टेबल में 64 कब आता है, 1 तो quotient आएगा 1. ऐसी 586 को 586 से डिवाइड करेंगे तो आपका quotient आएगा 1. प्रॉपर्टी नंबर 3, When 0 is divided by any number एक्सेप्ट 0, द क्वेश्चंट इज ऑलवेज 0. जब भी आपका कोई नंबर जो है, अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0. आप अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होना चाहिए आपका सेकंड नंबर, 0 नहीं होना चाहिए, अगर आपका डिविडेंड 0 है और आपका डिवाइजर कोई और नंबर है तो आंसर आएगा आपका 0. देखिए इन्होंने लिखा है 0 डिवाइडेड बाय 58 0, 0 डिवाइडेड बाय 6423 0. लास्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। किसी भी नंबर का हम 0 से डिवीजन नहीं कर सकते, मींस आपका डिवाइजर कभी भी 0 नहीं होगा।